वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मैं हूँ मंदिरा। नॉर्थ ईस्ट के उस खास किचन की तलाश के साथ मैंने शुरुआत की है आज के एक नए सफ़र की, और ये सफ़र होगा खूबसूरत मणिपुर के साथ, जहाँ मैं मुलाकात करने वाली हूँ मेरी एक बहुत ही खास फ्रेंड से। सो लेट्स बिगिन। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं मणिपुर के एक ऐसे ही खूबसूरत लोकेशन पर, जहां पर मेरी फ्रेंड निकी ने मुझे इनवाइट किया है। और उन्होंने इस जगह को क्यों चुना ये तो उनसे मिलने के बाद ही मुझे मालूम पड़ेगा, बट एक खास बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूं कि दिस प्लेस हैज़ नो नेटवर्क कवरेज, यानी कि आपकी बिजी लाइफ से आपको थोड़ा सा छुटकारा ज़रूर मिलेगा। बट येस ऑफ कोर्स शी इज़ गोइंग टू प्रिपेयर एंड कुक समथिंग रियली स्पेशल फॉर मी टुडे, विच इज़ अ ट्रेडिशनल मणिपुरी कुजीन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मीट हर। ये हमारा फार्म हाउस है फर्स्ट, एंड ये कम्प्लीटली नेचुरल के अंदर पे है। सो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है जो मैं दिखाना चाहती हूँ तुझे। बट मैंने सुना है कि आज बहुत ही ट्रेडिशनल मणिपुरी कुजीन्स यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर अस, ऑफ कोर्स। तो क्या खास तुम बनाने वाली हो आज? वो मैं सरप्राइज है हमारे लिए। कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हमें मार्केट जाना पड़ेगा। तो हम पहले मार्केट जाके आते हैं, उसके बाद हम अपना कुकिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। यस सर। ये हम लोग ओटोंगा बोलते हैं, हाँ, इसको हम एरोमा में यूज करेंगे। और तो ये लेंगे एक, उसके बाद गोश्त चिली। ये तो यू नो सबका फेवरेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, राइट? ये तो बीन्स होगा। हाँ, ये ब्रॉड बीन है, इसको ब्रॉड बीन बोलते हैं। ब्रॉड बीन्स नॉर्मली देखा जाता है थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट? तो ये एक्चुअली मणिपुर में हवाई मूवी बोलते हैं। हवाई मूवी, ओके। और क्या लेना चाहती हैं? ये लुक्स लाइक ऑरेंज। या इट्स नॉट ऑरेंज, इट्स नॉट ऑरेंज। हम ये जो बकरी है ना उसको यूज करेंगे। ओके, मतलब वो फ्लेवर के लिए शायद। ओके, इसका स्मेल काफी फैमिलियर लग रहा है। लोगलाई, ओके, लोगलाई। नुंसुक मसाला आ रहा है यार। और ये? ये मणिपुरी से नुंसुक बोलते हैं, एक तरह का तीली है ये भी। ओके, ओके। इसका भी हम चटनी बनाते हैं। इट लुक्स लाइक अ सेसमी सीड्स, तिल की तरह लग रहा है, बट दूसरा वर्जन। हाँ, दूसरा वर्जन। और ये कोरिएंडर, धनिया की तरह, लोकल धनिया। ये लेकिन ये कोरिएंडर नहीं है, इसका नाम है कोलेंट्रो। कोलेंट्रो, ओके, कोलेंट्रो, ओके, ओके, यस, यस। तो इसका फ्लेवर जैसे कि ये हम फिश में भी डाल सकते हैं या कोई मीट जब बनाते हैं। जिस तरीके से हमारे इंडियन फूड में धनिया का इस्तेमाल करते हैं, तो स्मेल के लिए, फ्रेशमेंट के लिए इसे यूज करते हैं। अलग ही होता है। ओके, कोरिएंडर से इसका बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। ओके, बहुत अच्छा होता है। तो आप चूज कर रही हैं कि कौन से ड्राई फिश को आप लें या फिर? ओके, 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 ठीक है। तो अभी के लिए इतना आपने सामान ले लिया। ये कोई मसाला है? हाँ, ये मसाला है।
ये मणिपुरी खानों में यूज होता है। तो नॉर्मली देखा जाता है हमारी जो नॉर्थ ईस्ट के फूड में ज्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं होता, लाइक गरम मसाला एंड ऑल, बट ये जो मसाला शायद थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ ये डिफरेंट है, ये हम लोग ये मणिपुर से प्रोडक्ट है, माचल अपोवा। मणिपुर में देखा जाता है कि बहुत सारी लेडीज है जो यू नो मार्केट में बैठती हैं, उनका यू नो डोमिनेट करके रखती हैं मार्केट में। एक्चुअली हमारा हिस्ट्री में ही है। या एग्जैक्टली। तो ये हो गई हमारी शॉपिंग, और भी कोई सामान लेना बाकी है? बाकी है, एक दो सामान है। ओके ओके, कूल। थैंक यू को क्या क्या कहती हैं आप अपनी लैंग्वेज में? यारे यार, थैंक यू। तो शॉपिंग हो गई निक्की? हाँ, सो मैं अभी ड्रेस चेंज करने वाली हूँ। ओके, मैं आपके लिए भी ड्रेस निकाल रही हूँ, आपको भी पहनना है, ठीक है? बिल्कुल, थैंक यू। सो फाइनली मणिपुर के लोकल मार्केट में हमने आज की ग्रॉसरी शॉपिंग, यानी कि कुछ खास प्रिपेयर जो निकी हमारे लिए करने वाली है, उसकी शॉपिंग तो हमने कर ली। बट फर्स्ट किचन में जाने से पहले निकी ने मुझे कहा है कि वो मुझे एक ट्रेडिशनल मणिपुरी आउटफिट पहनाने वाली है, तो चलिए मैं भी जाने वाली हूँ चेंज के लिए। तो हमारा फिलहाल ये सेमी अर्बन जो किचन है वो तैयार हो चुका है। निकी मुझे यहाँ पर लेकर आई है इस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में। हमने बहुत सारी शॉपिंग की, यानी कि आज जो वो खास हमारे लिए प्रिपेयर करने वाली है उसकी शॉपिंग उन्होंने कर ली है। फाइनली वी आर ऑल सेट एंड निकी वो सरप्राइज के लिए जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, एंड फाइनली तुम बता दो यार क्या प्रिपेयर करने वाली हो। फर्स्ट हम इरुम्बा बनाएंगे। ओके, इरुम्बा जो मणिपुर में बहुत ही ज्यादा डेलिकेसी मानी जाती है, लोग बहुत ही ज्यादा खाते हैं, बहुत ही ज्यादा, मैं डेली हम लोग खा सकते हैं उसको। उसके लिए आई थिंक फर्मेंटेड फिश की जरूरत होगी। ओके, एंड नेक्स्ट डिश कौन सा बनाने वाली है? फिश बनाएंगे, फिश करी। okay. जो हमारे मणिपुर स्टाइल बनाएंगे। ओके, वो गा तोई बोलते हैं मणिपुरी से। गा तोई। ओके, ओके। तो देखा जाता है कि मणिपुर में बहुत फर्मेंटेड डिशेस का यूज किया जाता है, वेजिटेबल्स का यूज किया जाता है, एरोमेटिक हर्ब्स का यूज किया जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग वैसी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा डिश तुम पहले बनाने वाली हो? मैं पहले इरुम्बा बनाने वाली हूँ। ओके, जो बनाना स्टेम होता है जो मैंने काट के रखी है। okay. भी मैं उबालने के लिए डाल दूंगी। ये केले के स्टेम है, केले के पेड़ का स्टेम है। तो ये डालेंगे फर्स्ट। तो तुम इसे बॉईल करने वाली हो? हाँ, ये मैं बॉईल करूंगी। ओके, इसमें तुमने आलू भी डाला है? हाँ, आलू एक डाला है। ओके, इरुम्बा में आई थिंक बहुत सारे वेजिटेबल्स का यूज किया जा सकता है। इरुम्बा ऐसा चीज है आप किसी से भी बना सकते हो उसको। ओके ओके, सो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ओके, इसको ढक देंगे। लेकिन आज जो हम यूज कर रहे हैं इसको यहाँ पे बाओ फिश बोलते हैं। बाओ फिश मणिपुरी में बाओ फिश कहते हैं। ओके, फिश में ये जो बड़े बड़े पीसेस जो है ये हम फ्राई करके रख देंगे। इरुम्बा में आप ड्राई फिश भी यूज कर सकते हैं, ये फिश भी यूज कर सकते हैं, उसका फ्लेवर कुछ ज्यादा ही अच्छा आता है। सो हम फर्स्ट ये फिश फ्राई करके रखेंगे इरुम्बा के लिए। ओके ओके, तेल डालेंगे फिश फ्राई के लिए। हाँ, तेल डाल देते हैं। तेल थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड कर लिया और थोड़ा सा हल्दी। ये नॉर्मली हर बार होता है कि फिश को फ्राई करने से पहले नमक और हल्दी देना जरूरी होता है। हाँ, आई थिंक उससे फिश का वो स्मेल भी चला जाता है। हाँ हाँ, चला जाता है। सो हम ये करेंगे फर्स्ट। तोने के अभी हमें वो देखने की जरूरत है, चेक करने की। हाँ हाँ, एक बार चेक कर लो। इसका कलर थोड़ा सा काला हो गया। हाँ, ये काला ही रहेगा। ओके, तो क्या अभी हम इसे निकाल सकते हैं फिर कुछ ऐड कर सकते हैं? नहीं, कुछ ऐड नहीं करेंगे अभी, और बॉईल करने के लिए, और बॉईल करने की जरूरत है। तो ये फिश हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इरुम्बा के लिए फिश फ्राई एकदम रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? इसे हम यहीं पे रख देते हैं। या
हम यहाँ पे स्टार्ट करते बनाना। तो हमारा जो फाइनल डिश है यानी कि जो फिश के लिए तुम बनाने वाली हो, तो अभी प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो तो फर्स्ट हम ये तेज पत्ता जो बे लीफ बोलते हैं वो डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम प्याज डाल देते हैं। ओके, थोड़ा सा मेथी डाल दे। ओके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा। और हम हींग डालेंगे थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा गार्लिक डालते, थोड़ा सा जिंजर। ओके, ये मिक्स करेंगे हम। और ये है जेनम, थोड़ा सा डालते। ओके, ये चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर, ये डालेंगे हम। अब हम थोड़ा सा टर्मरिक डालेंगे। जी, ये लगभग हो गया। ठीक है, अभी हम पानी ऐड करेंगे इसमें। ये शायद ऑलमोस्ट हो ही चुका है। हाँ, अभी हम फिश डालेंगे यहाँ पे। ये अब मटर एंड आलू ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे फिश मटर आलू एक साथ बॉईल होंगे। हाँ, तो और कोई हर्ब्स डालने की जरूरत है? हाँ, हम अभी गार्लिक और ये जो जिंजर बचा है। अच्छा, ये डाल देंगे। अच्छा, पहले भी आपने इसमें डाला था? हाँ, वो जो क्या है वो हम फ्राई करते हैं तो हल्का सा जल जाते हैं। अच्छा, तो उसका जो स्मेल है कम आते। तो ये फ्रेश फ्लेवर? हाँ हाँ, फ्रेश के लिए। ठीक है, तो ये मैं डाल रही हूँ। अब यहाँ पे जो ये जो मचल है ना, ये डालेंगे। ये थोड़ा गरम मसाला जैसा ही है बट यहाँ के कुछ लोकल चीजों से बनता है। लोकल चीजों से बनता है ये, तो ये मैं डाल रहे थोड़ा सा। और ये जो जीरा हमने खोद के रखे है उसे थोड़ा सा डालते, यानी कि फ्रेश जीरा पाउडर। हाँ, फ्रेश। तो मीनवाइल निकी, हमारा यहाँ पे खाना रेडी हो रहा है। आपका जो फिश है वो बॉईल हो रहा है, यहाँ पे हमारे कुछ वेजिटेबल्स है वो भी बॉईल हो रहे हैं। पर चलो मणिपुर के बारे में बात करते हैं। आई हैव हर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेइंग अबाउट मणिपुर, एंड मणिपुर टूरिज्म के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हमारे पास यू नो अपॉर्चुनिटी और हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। तो कुछ बताओ कि इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रैवल इन मणिपुर और बहुत सारी चीज़ें मैं अगर देखना चाहती हूँ तो कौन सी जगह मुझे जाना चाहिए? एक तो सिटी के अंदर आप जा सकते हो इमाकाईथिल। इमाकाईथिल, इस मार्केट के बारे में मैंने बहुत कुछ बातें सुनी है। इट इज आल्सो नोन एज द वुमेन मार्केट। या ओके, क्योंकि ये वुमेन मार्केट इसलिए कहा क्योंकि जब वर्ल्ड वार टू में मेल सब मर ही गए थे तो फीमेल के वजह से हमारा ये मणिपुर को फ्रीडम मिला है। अच्छा, तो दैट्स व्हाई ये पूरा फीमेल का है ये मणिपुर। तो अभी भी देखा जाता है कि वुमेन की प्रायोरिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। बहुत, और अगर आप किसी भी मार्केट में जाए तो वहाँ पे महिलाओं का दबदबा बहुत बना हुआ है, राइट? एनीवे, और कोई जगह? हाँ, एक आप जा सकते हो कंगला फोर्ट में जा सकते हो। हाँ, ये भी एक जमाने में जो हमारे जो राजा थे, राजा वहाँ स्टे करते थे, वहाँ रहते थे। तो फिलहाल तो वो एक म्यूजियम बन के रह गए, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे टेम्पल्स में ड्रैगन की यू नो स्टैचू या फिर आप देख सकते हो। हाँ, एक्चुअली वो ही हमारा गॉड है, हम उसी को ही मानते हैं। ओके, और उसको
इप्पुधौ पखंगबा बोलते हैं मणिपुरी से. इप्पुधौ पखंगबा. हाँ या. ओके. तो ये इस डिलीशियस मील के बाद मैं इसकी गारंटी देने वाली हूँ कि मैं उन जगह पर जरूर जाऊंगी. आप ये सब देख लो. हाँ. फिर मुझे बताना कि कैसा लगा. ये जो हरी बॉब है ना ये वाला, ये हम डालेंगे अभी. ओके. ये फ्लेवर के लिए. ठीक है. ओके. उसके बाद ये जो इसको हम लोग मयंगबा बोलते हैं हम ये डाल रहे हैं. ओके. उसके बाद ये कोरिएंडर डाल देंगे. ओके. क्योंकि ये ऑलमोस्ट पक गया है सब्जी. ये जो जीरा है ना जो मसाला हमने रेडी किया. हाँ हाँ. ये लास्ट डाल. इसके बाद ये कंप्लीट हो गया मसाला हमारा. अभी ये थोड़ी देर पकने देंगे फिर नमा देंगे. ओके. फाइनली हमारा जो फर्स्ट डिश है वो कंप्लीट हो चुका है. हाँ. जो बॉइल्ड फिश वाला डिश था. एंड हम यहाँ पे नेक्स्ट डिश के लिए रेडी हो चुके हैं विच इज इरोम्बा. या तो अभी मैं चाहती हूँ कि तो आप बनाएं. कैसे बनाते हैं सीख के जाना. ठीक है. तो ये है जो इसको हम लोग नारी बोलते हैं. तो जो फर्मेंटेड फिश ड्राई फिश हमने खरीदा था उसे तुमने जलाया है. हाँ. और ये कुछ ऐसा दिख रहा है. हाँ. तो अभी इसमें मैं नमक मिर्ची ऐड करूंगी. ओके. और उसको मिक्सअप करना है. तो ये पड़ा काफी है. ओके. ये जो हम भूत जलिया बोलते हैं ना ये वाला, तो ये ऐसे ही जाएगा या फिर इसको कोई टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत नहीं. ये ग्लास जो है उसे टुकड़ा हो जाएगा इसका. तो ये ले लो. ये आपको करना है. ठीक है. और इरोम्बा बहुत तीखा भी होता है राइट. या हम जितना सकते हैं मिर्ची ऐड कर सकते हैं. ओके. हो जाएगा. हो जाएगा. ये मैं डाल रही हूँ. ये बनाना एंड आलू. बनाना स्टेम जो हमने बॉईल किया था और आलू. या ये भी सेम टू सेम आपको करना है अभी. और थोड़ा सा फिश ऐड करेंगे. ओके. फिश जो फ्राई फिश हमने लिया था जिसके हम लोगों ने कांटे निकाल दिए हैं. इसको भी मैश कर लेते हैं. इसमें और कुछ डालने की जरूरत होगी. अभी ये फ्लेवर के लिए. इसका okay. बहुत अच्छा स्मेल है. okay. इसको हम मणिपुरी से मयंगबा बोलते हैं. मयंगबा. हाँ. okay. ये डालते हैं. ये हल्का सा हल्का सा हल्का सा प्रेस कर दो इसके ऊपर. हो जाएगा. okay. या हो जाएगा ये. तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट डन. तो ये हो गया हमारा इरोम्बा तैयार. ये बिल्कुल एक चटनी जैसा ही होगा. हाँ हाँ चटनी जैसे. एक्चुअली इरोम्बा इसे चटनी ही होता. okay, है हम लोग. okay. तो चटनी है वो. जो बहुत ही तीखा होता है. हाँ हाँ. और बहुत ही हेल्दी भी. तो ये तैयार है. हाँ ये तैयार है. हमारा इरोम्बा हो गया. okay. तभी हम सिंजू में जाएंगे. सिंजू. okay. बनाएंगे. ठीक है. सिंजू. ओके. okay. ये भी एक बिल्कुल सैलड की तरह होता है. एक्चुअली ये सैलड ही है. okay. लेकिन इसमें कुछ कुछ मसाला मिक्स होता है. like जो हम खुद बनाते हैं. या सीडिंग जो होता है ना वो. हाँ, सबसे बनाते हैं. okay. तो फर्स्ट हम ये पत्ता गोभी जो है ना कैबेज इसको पतला पतला. हाँ, काट लिया है. काट लिया है. okay. तो अब ये डालो. ओके. okay. सब डाल दो. okay. मैं ये ले लेती हूं. और ये क्या था. ये किसका पत्ता था. ये है मरोई का पत्ता है. मरोई. okay. हाँ, ये जो मार्केट में नहीं मिलते हैं वो. okay. बहुत कम मिलते हैं एक्चुअली. ये भी. हाँ ये भी डाल दो. ये कौन सा पत्ता. ये इसी का है. ये हो गया टोनी गोक बोलते हैं इसको. ये अलग है. ये दूसरा है. ये इसका स्मेल में ले सकते. हाँ हाँ. ओके. जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि मणिपुर में बहुत सारे एरोमेटिक हर्ब्स का यूज किया जाता है. हाँ हाँ. तो ये सारा गया. मिर्ची. ओके. ये मिर्ची डाल दो. मिर्ची. हाँ. हरी मिर्च हमने डाल दी. प्याज भी चाहिए. हाँ प्याज भी डाल दो. ओके. प्याज ये सारा गया. ये दे दो मुझे. ओके. ये जो है यहाँ पे हम बहुत सारा चीज यूज कर सकते हैं पर हम आज सिर्फ ये चाना जो है ना ड्राई चाना. ओके. हाँ उसको हमने थोड़ा सा बारीक किया. हाँ हाँ रोस्ट किया. और ये बादाम. ओके. बादाम और चने को रोस्ट करके. हाँ, हाँ. ये पाउडर आपने. हाँ पाउडर बनाया है. वो मिक्स करेंगे. ओके. अब वो डाल दीजिए. और मैं नमक दे. पूरा डाल दो. हाँ पूरा डाल दो. ये और ये नमक है. ये मैं डाल रही हूँ. ओके. अब ये मिक्स कर दो. तो
तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें कोई और मतलब लाइक तेल या फिर कुछ और? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं डालना है. तो ये ऐसे ही तैयार है? ऐसे ही तैयार है. इट्स लाइक आपने सैलेड बनाया, एक हेल्दी सैलेड. बहुत सारे एरोमेटिक हर्ब्स का यूज किया गया है एंड आप कोई भी सीजनिंग कर सकते हैं, लाइक चिकन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं. चिकन हाँ वो भी ऐड कर सकते हैं. बट अभी हमने रोस्टेड पीनट एंड रोस्टेड चने का यूज किया. हाँ हाँ. तो ये हमारा सेंजू एकदम तैयार है. तो हमारा डिश रेडी है, सब कुछ रेडी है. तो निकी फाइनली हमारी मेहनत यहाँ पे रंग लाई और हमारा ये ब्यूटीफुल मील, ट्रेडिशनल मील हमारे सामने है. तो लेट्स टेस्ट इट टुगेदर. या श्योर. ओके लेट्स सी. ये था हमारा बॉइल्ड फिश जो निकी ने हमारे लिए तैयार किया था. लवली, इट्स रियली गुड. थैंक यू. और ये है मणिपुरी ट्रेडिशनल इरुम्बा. ये वाकई बहुत तीखा है. सच में? या राइट, मुझे अच्छा लगा. एंड ये हमारा सिंजू, हमारा ट्रेडिशनल मणिपुरी सैलेड. और निकी ये बॉयल दिया जाता है ना? ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी चलता है स्क्वॉश. उसे बॉईल करके हर खाने के साथ, हर मील के साथ इसे परोसा जाता है. ये इसलिए परोसा जाता है क्योंकि बहुत से स्पाइसी खाते हैं हम, तो ये एटलीस्ट पेट के लिए बहुत अच्छा है. तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न फूड में होता है कि बहुत ज़्यादा मिर्ची खाई जाती है, तो इसने आपके पेट को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए ये बॉयल स्क्वॉश खाना ज़रूरी है. तो थैंक यू सो मच निकी, तुमने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया एंड इतनी मेहनत के साथ इस ब्यूटीफुल से लोकेशन में हमने इस मील को एक साथ एंजॉय भी किया. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. तो ये था मेरा मणिपुर का सफर और मणिपुर के इस ट्रेडिशनल किचन से और इस ब्यूटीफुल से लोकेशन पर हमने आपको दिखाया मणिपुर के कुछ ट्रेडिशनल मील. आई होप कि आपने भी हमारे साथ इस ब्यूटीफुल जर्नी को ज़रूर इंजॉय किया होगा. बट मैं आपको श्योरली ये कहना चाहती हूँ कि वेन एवर यू आर इन मणिपुर, उनकी काफ़ी सारे वैरायटीज़ अवेलेबल है, तो उनका लुफ्त उठाना ना भूलेगा. पर फिलहाल के लिए मैं तैयार हूँ हमारे नेक्स्ट हिडन किचन की तरफ आपको लेकर जाने के लिए. बट अभी के लिए मैं इस ब्यूटीफुल मील को इंजॉय करने वाली हूँ. तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में. टेक केयर.